नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में फिर डराने लगा कोरोना। आज मंगलवार को जिले में सामने आए 196 कोरोना पॉजिटिव। सड़ी सुपारी के बाद अब नागपुर पुलिस ने अवैध रूप से बेचे जा रहे सुगंधित तंबाकू पर कसी नकेल। 980,000 का माल किया जब्त। और MIDC पुलिस ने भी सुगंधित तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। 5.5 लाख का माल किया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले में फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। करीब 215 दिनों के बाद जिले में 196 संक्रमित मिलने से प्रशासन में खलबली मची है। तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ने से लोगों में डर नजर आ रहा है, तो कुछ लोग बेफिक्र होकर घूमते नजर आ रहे हैं। आज मिले संक्रमितों के साथ ही जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 696 पर जा पहुंची। इनमें शहर के 596, ग्रामीण के 77 और जिले के बाहर के 23 हैं। अब तक जिले में 4,94,522 संक्रमित मिले। जिले में मृतकों की संख्या 10,123 पर स्थिर बनी हुई है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या 10 हो गई है। नागपुर जिले में 24 घंटे में 5,968 नमूनों की जांच हुई। मंगलवार को ग्रामीण में 24 पॉजिटिव मिले, तो वही शहर में 166 और जिले के बाहर के 6 संक्रमित मिले हैं। ऐसे में इस डराने वाले आंकड़े से प्रशासन भी चिंतित है, लेकिन कई जगह लोग बेफिक्र होकर बगैर मास्क के घूम रहे हैं। शहर में पुलिस विभाग द्वारा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू, गुटखा व सड़ी सुपारी के खिलाफ आए दिन धरपकड़ व कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में नागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू की अवैध जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले एक गोडाउन पर छापा मारकर करीब 9 लाख का माल जब्त किया। वहीं लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत एक पान ठेले पर छापा मारकर कुल 4.5 किलो प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त किया गया। नागपुर शहर में बड़े पैमाने में नकली और सुगंधित तंबाकू का अवैध कारोबार शुरू है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि बड़े पैमाने में सुगंधित तंबाकू लाई जा रही थी। इसी जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच ने तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गोडाउन पर छापा मारा और 980,000 का सुगंधित तंबाकू जब्त किया। साथ ही लकड़गंज पुलिस ने भी एक पान ठेले पर छापा मारकर 4.5 किलो प्रतिबंधित तंबाकू जब्त किया। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की। गुन्हेशाखा युनिट 3 पथकास काल पोलीस स्टेशन तहसील आणि पोलीस स्टेशन लकडगंज हद्दीमध्ये प्रतिबंधित असलेली सुगंधी तंबाखू साठा करून ठेवल्या असल्याची व ती विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली होती। या माहितीच्या आधारावर गुन्हे शाखेने 2 ठिकाणी कारवाई केलेली आहे। पहिली कारवाई पोलीस स्टेशन तहसीलच्या हद्दीमध्ये केली असून त्याच्यामध्ये एका गोडाऊनमध्ये आम्हाला प्रतिबंधित असलेली सुगंधित तंबाखू एकूण किंमत 980,000 इतका मुद्देमाल मिळून आलेला आहे। आणि त्याच पद्धतीने पोलीस स्टेशन लकडगंज हद्दीमध्ये एका पान विक्रीच्या दुकानामध्ये आम्हाला 4.5 किलो सुगंधित तंबाखू मिळून आलेली होती। त्याची किंमत 2,500 रुपये आहे। ह्या दोन्ही ठिकाणी आम्ही FBI अधिकाऱ्यांना बोलवलेलं होतं, त्यांनी पंचनामा करून गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि याच्यामध्ये 2 आरोपींना अटक केलेली आहे। पोलीस स्टेशन तहसीलमध्ये अटक केलेल्या आरोपीचं नाव कैलास सारडा असं असून पोलीस स्टेशन लकडगंजमध्ये अटक केलेल्या आरोपीचं नाव सुहास मांडवगडे असं आहे। MIDC पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस ने एक तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रखा हुआ तंबाकू जब्त किया। जब्त किए गए तंबाकू की कीमत 5.5 लाख के करीब बताई गई। शहर में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत MIDC पुलिस ने अवैध रूप से सुगंधित तंबाकू बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने कुल 5,48,000 रुपए का प्रतिबंधित तंबाकू व अन्य सामग्री जब्त की। वहीं उन्होंने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक उमेश बेसरकर ने दी है। साथ ही इस मामले में आगे की जांच जारी है। काल दिनांक 3/1/2022 से अंदाजे 8:30-9 वाजता दरम्यान आम्हाला अशी खबर मिळाली होती की NIT गार्डन न्यू रॉय इंग्लिश स्कूलच्या मागे एक गुटखा बनण्याची फॅक्टरी चालू आहे।
त्यामध्ये सुगंधित तंबाखू उभारून राहिलेला आहे आणि तो सुगंधित तंबाखू पॉकेटमध्ये भरून मग त्याला तो ब्लॅक मार्केटच्या हिशोबानं विकत असतो अशी खबर मिळाली असता माननीय DCP श्री लोहित मतारी सर यांच्या मार्गदर्शनानं त्या ठिकाणी रेड करण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी रेड करण्यासाठी एक त्या शाळेच्या मागे तिथं मोठं गोडाऊन होतं, त्या गोडाऊनमध्ये मशीन लावून कच्चा तंबाखू टाकून त्याच्यामध्ये केमिकल्स ॲड करून तो सुगंधित तंबाखू भरत होता आणि त्या तुमक मार्केटमध्ये विकायसाठी ते प्रयोजन करत होता. यावर आम्ही ती रेड केली असता रेडमध्ये आम्हाला त्याच्याकडून जवळपास सुगंधित तंबाखू नवरत्न त्याची पॅकेट मिळालेली आहे. तसेच 3,65,000 रुपयाचा एकूण सुगंधित तंबाखू मिळालेला आहे आणि तशी ते सुगंधित तंबाखू तयार करण्याची एक मशीन आहे, ती मशीन 60,000 ती पण मिळालेली आहे. लिसरीन अंदाजे 200 किलो ड्रममध्ये भरलेली आणि मिथेनॉल, गुलाबजल, दालचिनी पावडर आणि कच्चा तंबाखू असे एकूण 5,48,700 रुपयाचा माल आम्ही जप्त केलेला आहे. यामध्ये राहुल अनिल जयस्वाल आणि अनिल शत्रुघ्न जयस्वाल असे दोघे मुलाला आणि वडिलाला त्यात अटक करण्यात आलेली आहे आणि तपास सुरू आहे. हा सध्या मोठ्या प्रमाणामध्ये तंबाखूची फॅक्टरी काही नोंदणी नाही, काही नाही, कुठल्या प्रकारचं रजिस्ट्रेशन नाही असा तो अवैधरित्या धंदा आणि तंबाखू तयार करण्याचं काम करीत असल्याने माहिती मिळाल्याने रेड करून सध्याची कारवाई करण्यात आली. दोन्ही आरोपीला अटक करून सध्या ते PCR मध्ये आहे. नागपूर जिले के मोहपा परिसर में पैतृक संपत्ति के विवाद में एक भाई ने अपने ही विवाहित बहन की हत्या कर दी. इस घटना से परिसर में खलबली मची हुई है. पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है. नागपुर जिले के मोहपा में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. भाई ने ही जमीन विवाद में अपनी शादीशुदा बहन की निर्ममता से हत्या कर दी. मृत महिला उज्ज्वला भोजन कुछ दिनों पहले ही गलबरडी मोहपा में अपने मायके आई थी, लेकिन मायके में आते ही घर में संपत्ति का कलह सामने आया और भाई शरद गणोरकर के साथ उसका विवाद हुआ. शरद अपनी बहन को मदद ना करने से बहन हमेशा उसे टोका करती थी, लेकिन घटना के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि बहन ने ईंट फेंककर भाई को मार दी. बदले में भाई ने बांबू से बहन के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिसके बाद जख्मी हालत में महिला को सावनेर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.